आपने जिस औरत का गुलाम बनना मंजूर किया ना, उसकी वजह से वो मेरा इतना अपमान करती है। और उसमें कब से वो करती है और अच्छी राजपुत्र होने का दावा करती है और हम उसे कुछ बोल भी नहीं सकते। सब्र कर। देव बाबू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको इतने दुख दिए हैं, अपनी सबसे अच्छी सहेली पर शक किया, उसे जान से मारने की कोशिश की। मुझसे ऐसे पाप हुए हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं, इसीलिए हमेशा के लिए मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ। जब तक आपको ये पत्र मिलेगा मैं अपनी अंतिम सांसें गिन चुकी हूँ। मैं पापन हूँ, आप सबकी अपराधी हूँ, मुझे माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। बस एक विनती है कि सच्चे मन से बरखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। आप ऐसा करेंगे तो कम से कम मेरी आत्मा को शांति मिल सकेगी। आपकी राधिका। देव तुम जाके देव, ये राधिका की चिट्ठी तुम्हारे लिए स्टोर में मिली मुझे। अभी खत पढ़कर देव जरूर टूट जाएगा और उसकी पत्नी होने के नाते मैं उसे सहारा दूंगी, अपने पास ले आऊंगी। ये क्या लिखा है पढ़ना। प्रिया देव, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको इतना दुख दिया, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ। इसीलिए मैं वापस आ रही हूँ। मैं 11 अक्टूबर को रात 8 बजे घर वापस आ जाऊंगी।
का नहीं है क्योंकि राधिका मर चुकी है। मर चुकी है। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें यहां देखकर। चली गई थी।
अभी तक आपने अपनी राधिका को क्षमा नहीं किया? ये राधिका नहीं हो सकती। राधिका क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि क्योंकि राधिका मर चुकी है। परखा, तू भी कैसी बातें कर रही है? अरे राधिका अपने पति से इतने ज्यादा दिन दूर रह सकती है क्या? दोनों जन्म जन्मांतर के साथी हैं। उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है, मौत भी नहीं। और वैसे भी आज तो राधिका के जीवन का सबसे बड़ा दिन है। आज से 12 साल पहले राधिका का अपने कृष्ण कन्हैया के साथ विवाह हुआ था ना। आज के दिन अगर राधिका अपने कृष्ण कन्हैया के साथ नहीं होती तो कोई और उनके पास नहीं आ जाता। पर तुम यहां ऐसे कैसे? ऐसे कैसे बरखा? लोगों ने मेरी चिट्ठी नहीं पढ़ी? इसे खत के बारे में भी मालूम है? राधिका की लिखी हुई चिट्ठी के बारे में खुद राधिका को भी पता नहीं होगा। बरखा, तुम तो इस तरह बर्ताव कर रही हो जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया। ये राधिका ही तो है, इस पे इतना शक करने की क्या बात? क्यों बरखा, मुझे तो लगा था तुम अपनी सबसे अच्छी सहेली को देखकर बहुत खुश हो रही हो। हम किस कारण खुश होते हैं और किस कारण से दुखी, हमें किसी को पता नहीं लगने देना चाहिए। और इस बात को तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है? बल्कि विराट भैया भी आज खुश लग रहे हैं। शायद उन्हें भी राधिका के लौटने का इंतजार था। है ना विराट भैया? हाँ। बरखा तो राधिका की बचपन की सहेली है, इसने तो राधिका के हिस्से के दायित्व निभाए हैं अपनी खुशी से। हाँ राधिका, बरखा ने हर वो दायित्व निभाया है जो तुम अधूरा छोड़ गई थी।
इन्हीं परिस्थितियों में देव को बरखा की मांग भरनी पड़ी। क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम थी वहां? सब कुछ मेरे सामने ही तो हुआ है। राधिका, तुम वहां थी तो फिर तुम सामने क्यों नहीं आई? और अब आ रही हो एक महीने के बाद? आपके गुस्से के शांत होने की प्रतीक्षा कर रही थी राधिका। इस चक्कर में तुमने सबको बहुत इंतजार करा है। खैर, मैं तो खुश हूं कि तुमने वापस लौटने का इरादा बनाया। मैं मंदिर जाकर दाई माँ से मिलती हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि अम्बा मंदिर में? भक्त और कहाँ होगा बड़ी माँ? राधिका कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। राधिका अचानक से कहाँ खो गई और इतने दिनों तक उसने किसी की खबर क्यों नहीं ली? आप राधिका को ढूंढना चाहती थी ना, और उसे बताना चाहती थी कि इस घर में कितना कुछ गलत हो रहा है। चिंता मत कीजिए दाई माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ आप किस दुविधा में है। आप यही सोच रहे हैं ना, मैं अपना पति धर्म निभाऊं या फिर राजपुरोहित धर्म। आप अभी भी अपनी राधिका से नाराज हैं, तो नाराजगी जताइए ना, हक है आपको। नाराजगी तो होगी ना राधिका, तुम हमें बिना बताए घर छोड़कर चली गई। तुमने एक बार सोचा भी नहीं कि उन घर वालों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? राजपुरोहित को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो अपने अपराधी के आगे कमजोर पड़ जाए। तुम सही कहती थी राधिका, तुम हमेशा से ही सही कहती हो, पर तुम्हें क्या हो गया था? तुम इतनी बदल क्यों गई? शायद सही और गलत में फर्क समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए इतना वक्त लगा। पर आप तो सही और गलत में फर्क महसूस कर सकते हैं ना? आज तक पूरी निष्ठा के साथ आपने राजपुरोहिती निभाई और आगे भी आपको यही करना है। राधिका,
तुम्हें पता नहीं है, तुमने बरखा को समझने में बहुत बड़ी गलती की है। मुझे पता है। तो जब तुम्हें पता है तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? राधिका बरखा बहुत अच्छी लड़की है, उसने हमारे परिवार के लिए, उसने राजपुरोहित के लिए बहुत कुछ किया, अपनी खुशियों का बलिदान दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता राधिका, बहुत सहा है बरखा ने तुम्हारी वजह से। अपराधी तुम मेरी नहीं बरखा की। जब तक बरखा के प्रति तुम अपनी गलत फहमी दूर नहीं कर लेती, जब तक बरखा से तुम माफी नहीं मांग लेती और बरखा तुम्हें माफ नहीं कर लेती, हम दोनों को अलग रहना होगा। शायद यही ठीक होगा। अपराधी को सजा मिलनी भी चाहिए, मेरा भी यही मानना है। जहां गलती हो पछतावा भी होना चाहिए, बुरे को सजा मिलनी चाहिए और अच्छे को इनाम, यही धर्म है।